इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा उज्जैन से संचालित हो रहे कॉल सेंटर के 7 सदस्यों को पकड़ा गया है, जिनके द्वारा आमजन को फोन लगाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 12 आर्मी अधिकारी भी शामिल हैं। पकड़ाए आरोपियों से पुलिस डीसीपी निमिष अग्रवाल द्वारा बताया गया कि फर्जी शेयर एडवाइजरी कंपनी के नाम से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसके मुख्य आरोपी कमलेश वर्मा सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें शामिल आरोपी गोविंद लोगों को झूठ बोलकर उनके बैंक के खातों में राशि ट्रांसफर कर निकलवाने का काम करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़कियों की आवाज में लोगों से बात कर फर्जी डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजकर झूठे विश्वास में लेकर उनके बैंक खातों का उपयोग करवाता था। बताया जा रहा है कि फर्जी कॉल सेंटर से ही 12 आर्मी अधिकारियों के साथ भी धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ लोगों को रुपया डबल और 3 गुना करने की लालच देकर लाखों रुपए खातों में ट्रांसफर करवाए जाते थे और उन खातों के माध्यम से रुपए निकाल लिए जाते थे। तो वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि खाते भी केवल 1 या 2 महीने के लिए ही खुलवाए जाते थे और फिर उन्हें बंद कर दिया जाता था। पुलिस ने पूरे मामले में कमलेश वर्मा, ऋतिक सोलंकी, नितेश मालवी, धीरज, लोकेश, ओम प्रकाश सहित गोविंद को अभी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 मोबाइल फोन और 14 लैपटॉप, 1 दर्जन से ज्यादा सिम कार्ड बरामद की गई। फिलहाल पुलिस पकड़ाए आरोपियों से तमाम पहलुओं पर पूछताछ में जुटी हुई है, ताकि उनके किस व्यक्ति और किन राज्यों में कनेक्शन है उसकी भी तलाश की जा सके। यहाँ पे हमारे को कुछ आर्मी के जवानों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके साथ जो है शेयर में इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी के नाम पे जो है इनसे ठगी करी गई है। इसमें जो है जांच पड़ताल करने पे पाया गया कि ये एक कॉल सेंटर जो है उज्जैन से संचालित था और यहाँ पे भी कुछ लोगों को उनके खातों का इस्तेमाल किया गया था। खाताधारकों से भी पूछताछ करी गई तो उनको भी ये समझ में आया कि उनके साथ भी ठगी हुई है और उनके खातों का जो है दुरुपयोग हुआ है। तो समस्त शिकायतों के आधार पर जो है इसमें उज्जैन में जांच पड़ताल करके इस एडवाइजरी कंपनी को पकड़ा गया है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया जो है इसमें करीब 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एडवाइजरी कंपनी जो है काफ़ी समय से वहाँ चल रही थी। इसमें जो लोग पकड़ाए हैं ये पूर्व में भी एडवाइजरी कंपनियों में इन्होंने काम किया हुआ है और इसमें पूछताछ चल रही है। कमलेश नाम का व्यक्ति इसका मुख्य सरगना था और इसमें आगे जो लोग इसमें फरार हैं उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब 1 दर्जन आर्मी के जवान थे जिनके साथ जो है ये जिनके पैसे ले लिए गए थे और जो है वो सभी जो है परेशान थे कि उनसे संपर्क ख़त्म हो गया है और ना ही उनको जो है कोई उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो उसमें जो है उसमें आगे कार्रवाई की गई। इनके तरीका ये था कि ये जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों से पैसा लेते थे और शेयर में इन्वेस्टमेंट के नाम पे और काफ़ी जो है ये ऐसी बातें करते थे, लोगों को प्रभाव में लेने का प्रयास करते थे ताकि जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर उसके बाद जो है वो गायब हो जाते थे। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो हमारे जवानों के साथ जो सामने आई धोखाधड़ी करीब 30-40 लाख रुपये की आई है। अभी और पूछताछ चल रही है जिसमें और हमको इसमें लगता है कि क्योंकि उन्होंने काफ़ी अकाउंटों का इस्तेमाल किया हुआ है और बार बार ये अकाउंट बदलते रहते थे तो मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा लोग इसमें जो है पीड़ित निकल के आएंगे।